देखो सर, पहला क्वेश्चन आपको मेंशन है, इन द फर्स्ट 10 ओवर्स ऑफ ए क्रिकेट गेम द रन रेट वाज 3.2, व्हाट शुड बी द रन रेट इन द रिमेनिंग 40 आवर्स टू रीच द टारगेट ऑफ 282 रन। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था, ठीक है भाई। 10 ओवर में रेट जो आया 3.2 का है, बाद के 40 ओवर में कितने रन बनाए, बाद के 40 ओवर का रन रेट बताइए जिससे कि हमारा टोटल स्कोर 282 हो जाए। ठीक है जी। तो अगर आप चेक करेंगे, छोटा सा क्वेश्चन था बिल्कुल, बहुत ही सिंगल सिंगल लाइन में अगर हम लिखें, पहले 10 ओवर में रन बने हैं 3.2 के हिसाब से, तो 32 रन हमारे बन चुके हैं। ये हमारे, अब हमें हमारा जो स्कोर चाहिए था वो चाहिए था 282, तो इसका मतलब हमें एक्स्ट्रा रन चाहिए 250, और ये 250 बनने चाहिए बाद के 40 ओवर में। तो एवरेज क्या आएगा बाद का, 250/40, ये आंसर था बस। तो 6.25 इतना लिखना था बस। ये वाली बात सबको समझ में आ गई, नहीं आ गई यस है भाई? ठीक है, ये करना इस तरह से। चलो फिर दूसरा क्वेश्चन क्या था हमारे पास, दूसरा क्वेश्चन सर ये था हम पास, आपसे कह रहा है ग्रोसर हैज ए सेल ऑफ ₹6,435, ₹6,927, ₹6,855, ₹7,230, ₹6,562, फॉर 5 कंसेक्यूटिव मंथ्स, 5 महीने तक उसकी सेल ये हुई है। हाउ मच सेल मस्ट ही हैव इन द 6 मंथ सो दैट ही गेट्स एन एवरेज सेल ऑफ ₹6,500। चले जाएं तब लगवा लेंगे, फिलहाल वो गर्म हो रहा है, अच्छा सब बैठे। तो होना क्या था असल में कि भाई हमें जो एवरेज चाहिए वो 6,500 चाहिए। 6,500 किसकी चाहिए, 6 महीने तक। तो हमारा जो टोटल आना चाहिए, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 39,000। तो 6 महीने का टोटल सम जो है 39,000 होना चाहिए। पहले 5 महीने की सेल आपको दी हुई है, बस इसमें ऐड करने वाला थोड़ा सा पोर्शन है। आप ऐड जैसे जैसे लिखा हुआ वैसे ऐड कर लो। मतलब ऐड कैसे करोगे भाई, पहला वाला जो है 2 है, 2+0 2, 2+5 7, 7 7 14, 14 5 19, तो आपके पास आ गया 9 और आपका कैरी आया 1, तो फिर आपके पास आएगा 1 6 7, 3 10, 5 15, 2 17, 3 20 0, कैरी आया 2, फिर आएगा 2 5 7, 2 9, 8 17, 9 26, 4 30, फिर कैरी आएगा 3, फिर आएगा 3 6 9, 7 9 7 16, 16 6 22, 28 34। तो ऐसे, तो आपके पास पहले 5 महीने में 34,009 रुपीज आ चुके हैं और 6 महीने में आपके पास आने चाहिए तो 39,000। तो कितने कम हैं, तो इसको सीधा सीधा सा माइनस करना था बस भाई। 6 महीने की सैलरी कितनी होगी और 5 महीने की सैलरी कितनी, माइनस कर दो तो 4,991 आंसर। कौन सा ऑप्शन है, डी। सर समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? यस सर, ना मैंने आपसे कहा ऐड करना है, आप उसे ऊपर नीचे लिख के कर लेते तो सबको ऐड कर दो। वो 5 महीने की सैलरी है, 6 महीने का अरे 6,500 है। आपको पता है सम निकालना होता है, तो सम क्या होता है, एवरेज को नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर एवरेज 6,500 है और नंबर 6 महीने है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 39,000 रुपये आ जाए।
नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके थे, बताया भी था आपको। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो सामने देखते ही आंसर आ जाता है, तो उससे हमारा टाइम सेव होता है। तो आपसे कहता है 20 नंबर हैं, उनका जो एवरेज है वो जीरो है, तो उनमें से कितने नंबर जो हैं जीरो से बड़े होने चाहिए। हाउ मेनी ऑफ देम मे बी ग्रेटर देन जीरो एट द मोस्ट, हमने बताया था 19। कोई एक भी नेगेटिव हो गया तो उसकी वजह से सारा सम जीरो हो जाएगा, उसकी वजह से एवरेज जीरो हो जाएगा। तो कोई एक भी, तो 19 का सम पॉजिटिव है और एक अकेला नेगेटिव है उन 19 के बराबर, तो सम जीरो होगा तो एवरेज जीरो होगा। तो ये बगैर सोचे समझे का आंसर था कि 19 नंबर्स हमारे पास मैक्सिमम हो सकते हैं जो पॉजिटिव हो। मुआ पूछ रहा है कितने हो सकते हैं, तो उन 90 हो सकते हैं, होने को कम भी हो सकते हैं कि भाई 10 पॉजिटिव हैं 10 नेगेटिव हैं, बट एट मोस्ट 19। ये बात सबको क्लियर है, क्वेश्चन पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। नहीं सर क्लियर है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन था डी। एक और क्वेश्चन लो। आंसर्स कहाँ भेजें? हाँ जी। आंसर्स कहाँ भेजें? माशाल्लाह 40 पे भेजना था, 13-3 पे बोल रहे हो, मेरे उस पे व्हाट्सएप कर दीजिए, चाहे ग्रुप में डाल दीजिए चाहे पर्सनल कर दीजिए। ठीक है बेटे, मैसेज कर दीजिए आप गूगल कर दिया सर। जी जी, व्हाट्सएप ग्रुप में कर दो आप सब बच्चे, उसी में से चेक कर लेंगे किसके कितने। चलिए एक क्वेश्चन और देखिए। आपसे कह रहे थे कैप्टन ऑफ ए क्रिकेट टीम ऑफ 11 मेंबर्स इज 26 ईयर ओल्ड एंड द विकेट कीपर इज 3 इयर्स ओल्डर, तो बस लिखते चले जाओ सर। कैप्टन हो गया सर 26, सर विकेट कीपर हो गया 3 साल बड़ा 29। इफ द एज ऑफ द दीज टू आर एक्सक्लूडेड द एवरेज एज ऑफ द रिमेनिंग प्लेयर्स इज 1 लेस देन द एवरेज एज ऑफ द होल टीम। एक तो एवरेज जो है वो होल टीम का दिया हुआ है और एक एवरेज जो है इन दोनों को निकाल के दिया हुआ है 9 प्लेयर्स का। तो आपके पास अगर टीम का एवरेज एक्स है तो आपसे क्या कह रहा है, द एजेस ऑफ दीज टू एक्सक्लूडेड द एवरेज एज ऑफ द रिमेनिंग प्लेयर्स इज 1 ईयर लेस देन द एवरेज एज ऑफ द होल टीम। तो 9 प्लेयर का, 11 प्लेयर्स होते हैं तो 9 प्लेयर्स का एवरेज एज एक्स माइनस 1 हो जाए। ये बस तो फाइंड आउट द एवरेज एज ऑफ द टीम, तो हमने एवरेज एज टीम का एक्स ले लिया तो उसका सम जो होगा वो 11x हो जाएगा। हाँ भाई ये बात सही है, सबको समझ में आ रही है। अगर टीम का एवरेज एक्स है, प्लेयर 11 है तो टोटल एज 11x। अच्छा बच्चे कैप्टन को विकेट कीपर को निकाल दो तो 9 बचे, उनका एवरेज है एक्स माइनस 1 तो उसका सम अगर करेंगे तो 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 9x माइनस 9, ये हो गया 9 का सम। अब यहां हमारे पास है 11 प्लेयर्स और यहां हमारे पास है 9 प्लेयर्स, तो इन दोनों का जो डिफरेंस आना चाहिए माइनस होना चाहिए वो होगा, इसमें से दो प्लेयर कौन कौन से नहीं है, कैप्टन और विकेट कीपर, और उन दोनों का सम हमारे पास आ रहा है 55। एक की एज 26 है और एक की एज 29 है, उन दोनों का सम है 55। ये वाली बात सबको समझ में आ गई नहीं आ गई? यस सर। ये वाला फिर से बता दीजिए एक बार। क्या बोलो सर, ये x 11x - 9x - 9 कैसे हो? अगर टीम का एवरेज x है तो टीम की एज कितनी हो जाएगी टोटल, पूरी टीम की एज 11x, और हमें ये दिया हुआ है कि भाई टीम जो इन दो को निकालने के बाद जो एवरेज बचेगा वो एक्स माइनस वन है, वन लेस देन द टीम है, जो हमें कह रहा है क्वेश्चन में द एवरेज एज ऑफ द रिमेनिंग प्लेयर्स इज 1 ईयर लेस देन द एवरेज एज ऑफ द होल टीम।
तो यानी कि yes, जो 9 प्लेयर बचे उनकी एवरेज हो गया x माइनस 1, तो ये प्लेयर होंगे 9, तो अगर 9 प्लेयर्स होंगे yes, तो इनका सम कितना होगा, 9x माइनस 9, यस सर, ठीक है। तो अगर 11x में से यानी कि 11 प्लेयर की एज में से दो प्लेयर की एज माइनस कर दूं तो उसमें गैप कितना आना चाहिए कैप्टन का और विकेट कीपर का? यस सर, कैप्टन विकेट कीपर और कैप्टन हैं कितने, 26 प्लेयर, 29, ठीक है सर, यस सर, वो कितना हो गया 55। तो अगर ऐसे सॉल्व करना कितना आएगा, 11 माइनस 9 2x, ठीक है भाई। तो 2x इज इक्वल्स टू 9 को उधर ले जाओ, प्लस 9 हो जाएगा, 2x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 55। तो आपके पास क्या आएगा, 2x इज इक्वल्स टू 55 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 46। तो x इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 23। सर बात समझ में आ गई? यस सर। भाई सब बच्चों को बात समझ में आई नहीं आई? आ गई सर। आ गई सब बच्चों को, ये दोबारा बताऊं कुछ? दोबारा से सुन लीजिए आप सब बच्चे, चीजों को समझ लिया कीजिए कि भाई हमारे पास एक तरफ है टीम, तो उस टीम में कौन है, उसमें कैप्टन है, उसमें विकेट कीपर है, उसमें 9 प्लेयर है, और एक तरफ है सिर्फ हमारे पास 9 प्लेयर, तो इन सब का सम जो है पूरी टीम का वो है 11x, और इन सब का जो सम है वो है 9x माइनस 1। तो इसमें सिर्फ दो ज्यादा हैं, तो दो कौन से ज्यादा हैं, कैप्टन और विकेट कीपर। तो जो इनका डिफरेंस आएगा वो कैप्टन और विकेट कीपर की एज के इक्वल आएगा, बस इतना सा करना। सर सही है? तो वो हमारे yes, पास है, वो हमारे पास है 55। तो हमारे पास सीधा सीधा आ गया 2x plus 9 is 55, तो 2x is 46 और x is 23। चलो जी एक और देखो, क्लास तो नहीं स्टार्ट हुई, कोई दूसरे भी? नो सर, 2 बजे बाद। ठीक है चलो, ये क्वेश्चन है सर। The average monthly income of A and B is 5050. Average monthly income of B and C is 6250. Average monthly income of A and C is 52. What is the monthly income of A? ये question दिया हुआ। तो इसमें आप सीधा सीधा question के साथ साथ ना A और B का average दिया हुआ है। तो अगर A और B का average दिया हुआ है, तो दो का average हो गया। तो उसको 2 से multiply कर दो। तो वो A और B का sum आ जाएगा। यानी कि ए बी का जो टोटल इनकम होगा वो 2 इंटू 5050 होगा। तो 5050 कितना हो गया भाई, 10,100 रुपीज। अच्छा बी और सी का कितना है सर, फिर उसे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो सर, वो है 6250। तो 6250 कितना हो गया सर, 12,500। फिर सर ए और सी है, तो सर ए और सी का कितना है सर, उसे 5200 से मल्टीप्लाई कर दो सर,
तो सर वो हो गया 10,400। सर अगर आप इन तीनों को ऐड करोगे तो वो ए प्लस बी प्लस सी दो बार आ जाएंगे, और इधर अगर आप सम निकालोगे तो सर ये हो जाएगा 600, 400, 1100, 00, 213 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 113, ये हो जाएगा 33,000। अगर 33,000 हो जाएगा, 2 से आप इसको डिवाइड करोगे तो ये आएगा सर 16,500। अब अगर आप ये निकाल चुके हो a प्लस बी प्लस सी, तो इसमें से आप ab को माइनस करोगे तो c बचेगा, bc को माइनस करोगे तो a बचेगा, ac को माइनस करोगे तो b बचेगा। किसी को भी निकाल सकते हो, मतलब कहने का ये, तो इसमें से आप किसको माइनस कर दो, bc को माइनस कर दो, क्योंकि आपको a की इनकम चाहिए। तो bc की इनकम कितनी है भाई, 12,500। तो इसका मतलब a कितना बचा, कितना बचा भाई, 4,000 सर। सबको समझ में आया ना, ठीक है, आगे बढ़े। यस सर, चलो चलो। देखो सर, एक कार ओनर बाई डीजल एट 750 रुपीज 8 एंड रुपीज 850 पर लीटर फॉर 3 कंसेक्यूटिव ईयर सक्सेसिव ईयर्स, व्हाट अप्रोक्सीमेटली इज द एवरेज कॉस्ट पर लीटर ऑफ डीजल इफ ही स्पेंड्स रुपीज 4,000 ईच ईयर। वो मैसेज करा देते आज आप 10th वाले बच्चों में। इमरान, इमरान वो 10th वाले बच्चों में वो मैसेज करा दे, एनुअल चार्जेस। हमको बता दीजिए कि मैम ये हम करा दें 10th, आपका क्या सजेशन, पूछ लो एक बार, फीस भी बाद में डिसाइड कर लेंगे। जो लाइन नाइन्थ में करो या नहीं, नाइन्थ में भी नहीं तो चल रहा है, न्यू एडमिशन पे करो, वैसे करो। कितनी करेंगे तो देख लेंगे, दोनों का चारों का कितना बैठ रहा है, चारों का फर्क बैठ रहा है, उसी का एनुअल चार्ज ज्यादा, तीनों क्लास में पहले आप उसमें कर लो 11th का। आपने बताया था एनुअल में सर, मैं कह रहा पहले 11th में डाल दूं। 11th की कितनी है, 11th
उसमें से वो निकाल दो, एग्जामिनेशन वगैरह कितनी है और कोई लैब का चार्जेस वगैरह, ये तो कितना है वो निकाल दो, फिर उसमें उसे मेंशन कर देंगे ना ये वाला या नहीं। नहीं वो नाम ही नंबर किसी और की सब फीस दीजिए। अच्छा अगर भी वही वाली बात है ना, तो ये एस्पाल में क्या रहता है अभी भी 90% वो अलग से क्या है कुछ भी नहीं, लेकिन वो क्या बिल्डिंग की अलग से क्या है कुछ भी नहीं, वो एकदम फीस वाले लेकिन वो बिल्डिंग की थी। वो मैं चलो आप उसे उसमें से कराओ इंशाल्लाह, देखते हैं मैम से बात करके, क्योंकि मैम ये इरादा है तीस की टिक देर बाद में कर लेंगे। हाँ जी सर, इसका क्या आंसर है? A car owner buy diesel at 750 rupees 8850 per liter. What approximately is the average cost per liter of diesel if he spend rupees 4000 each year? कोई बच्चा बताएगा? बी होगा सर। बी 7.98। यस सर। बताओ जी कैसे? सर 7.50 को और 8 को 8.50 को मतलब पर ईयर के हिसाब से 4000 से डिवाइड कर देंगे, सर 1500 3.91 आएगा, उसको 12000 से डिवाइड मतलब कर मतलब 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 सर 7.5 को 4000 से डिवाइड कर देंगे और फिर 7.5 को 4000 से। यस सर। क्यों? तो 4000 को 7.50 से करेंगे ताकि हमारा पर ईयर का पेट्रोल मतलब वो निकल सके, डीजल निकल सके। यस सर। तीनों के प्राइस अलग अलग अलग, उसके बाद हम इसको वो करेंगे एवरेज लेंगे। अगर मैं कुछ ऐसे करूं कि 7.5 × x + 8x + 8.5 × x = 4000 × 3, क्या ये बात सही है? भाई आपका एक साल का जो पेट्रोल खर्च हुआ है वो x लीटर खर्च हुआ है, कितना x लीटर, और पहले साल का जो एवरेज आपका एवरेज प्राइस था वो 7.5, तो फर्स्ट ईयर की कॉस्ट आ गई 7.5x, सेकंड ईयर की आ गई 8x, थर्ड ईयर की आ गई 8.5x, और एक साल की है 4000, तो तीनों साल की आ जाएगी 12000। ये बात सही है क्या? ये बात सही है? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे मिजाज हैं? मैं गांव में हूँ बाबा, आप बताएं। जी 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 जी, सब अल्लाह का शुक्र है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, चलिए बहुत मुबारक जी जी जी। बस खुदा का शुक्र है,
मैंने आपका नंबर, दो तीन नंबर मेरे पास थे आपसे 8-10 दिन पहले, मैंने सारे नंबर ट्राई करे, मैंने कहा भाई इससे मिल जाए इससे मिल जाए, लेकिन बात ही नहीं हो पाई। आज माशाल्लाह आपने कर ली कॉल, जज़ाकअल्लाह जी। ये वाला नंबर जी, बस अब हम सारे नंबर डिलीट करके इसको रखेंगे इंशाल्लाह, और आपसे बात क्या करेंगे हर दूसरे तीसरे दिन इंशाल्लाह। अन यहाँ आ जाओ हमारे पास, और गांव आ जाओ माशाल्लाह से। यहाँ आपकी जरूरत है, यहाँ स्कूल को संभालो आप, आगे डिसिप्लिन बिल्कुल बढ़िया वाला कर दो और क्या। अभी अभी तीसरा बेटा तो यही है अभी माशाल्लाह आपका, और क्या माशाल्लाह से। अल्लाह में सलाम, अल्लाह में आपको सलामत रखे, हमें सलामत रखे, अभी तो हम यही माशाल्लाह से। और बताइए जी। जी जी नहीं अच्छा क्या, मुझे बहुत खुशी हुई। अम्मी ठीक है हमारी? हेलो 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 जी बेटे, देखो समझ में आया नहीं आया। हेलो जी, अब आए हो, बीच में नहीं आ रहा जी। सब बहुत अच्छे, अल्लाह का शुक्र, बहुत अच्छे माशाल्लाह।